पीवो पहुल खंडे तार हुए जन्म सुहेला, गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुहेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरचेला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हरप्रीत कौर प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत करदी हां। साहिबे कमाल सरबंस दानी दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 की वैसाखी नूं आनंदां दी पुरी श्री आनंदपुर साहब की धरती ते तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे झूठ फरेब ते जुलम नूं खत्म करन लई सच की आवाज़ लई खालसा पंथ की साजना की। यह कोई आम गल नहीं सी, यह परमात्म की मौज का अलौकिक प्रगटावा सी। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांच प्यारियां दे विच वक-वक जातां नाल संबंधित लोकां नूं शामिल करके जात पात दे भेदभाव नूं मुढ़ों ही रद्द कर दिता। मानस की जात सभे एके पहचान वो दे सिद्धांत नूं अमल विच लियाण के पंजां प्यारियां नूं इको ही बाटे दे विच अमृत छका के ऊच नीच दे भेदभाव नूं मिटा दिता। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। 1699 की वैसाखी के दिन साहेबे कमाल सरबंस दानी दसम पिता ने आनंदपुर साहब की धरती ते एक तंबू लाया। 80,000 के करीब इकट्ठ सी। चौजी प्रीतम दीवान दे विच स्वायमान सी। दीवान की समाप्ति हुई, चारे पासे खामोशी है। अज गुरु जी के चेहरे ते वखरा ही जलाल है। पातशाह जी उठते ने, म्यान दे विचों अपनी कृपान बाहर कढ़ते ने। उच्ची आवाज विच हजूर ने कहा, कोई है सिख दा बेटा जो सीस भेट करे। सारे दीवान दे विच इको दम खामोशी छा गई। पातशाह ने फिर दोहराया, कोई है सिख दा बेटा जो सीस भेट करे। फिर खामोशी छा गई। तीजी बार फिर कड़कदी ते उच्ची आवाज मारी, तां उदों लाहौर दा खत्री भाई दया राम गल दे विच पल्ला पा के उठे। गुरु जी नूं कहन लगे, यह सीस तुहाडा है, कबूल करो। गुरु जी उन्हां नूं तंबू दे अंदर अपने नाल लै गए। थोड़ी देर बाद लहू नाल भिजी हुई कृपान हाथ विच फड़ के कहन लगे, एक होर सीस चाहिदा है। भाई धर्म चंद जी हाथ जोड़ के उठे। गुरु जी ने जदों तीजी बार आवाज़ मारी तां भाई हिम्मत राय जी उठते ने। चौथी बार जदों पातशाह जी सीस की मंग करते ने तां भाई मोहकम चंद जी खड़े हुए। पंजवीं बार आवाज़ आई, एक सीस होर, ते भाई साहिब चंद जी उठते ने। यह सारा कौतक पांच बार दोहराया गया। पांच सिंघां ने वारों वार अपना सीस गुरु जी नूं भेंट कर दिता। फिर गुरु जी पंजे सिंघां नूं तंबू दे विचों बाहर लै आए। पंजां सिंघां नूं पंज प्यारे कह के संबोधन किया। अमृत की दात तैयार करन लई गुरु जी ने पांच चीज़ां लईयां। सब तो पहला निर्मल नीर लिया, पतासे ले, बाटा लिया, खंडा लिया, ते पंजवें दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आप सन। अपनी रसना तो बाणी पढ़न लगे। माता जीतो जी निर्मल नीर दे विच पतासे पा रहे ने। गुरु साहब जी ने एक हाथ बाटा फड़िया, एक हाथ खंडा कमाउंदे ने, ते पांच बाणियां दा पाठ करदे ने। इस तरह अमृत दी दात तैयार कीती। पंजे प्यारे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी ते भाई साहिब सिंह जी नूं अमृत दी दात बख्श के जयकारे लगाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फिर सतगुरु जी पंजां प्यारियां नूं कहन लगे, मैनू भी अमृत दी दात दिओ, गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना दिओ। पंजां प्यारियां ने गुरु साहब जी नूं अमृत दी दात दिती। प्रगटियो मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरचेला। गुरु साहब जी ने अमृत छकाउण तों बाद पुत्रां दे नां पिछे सिंह ते धीआं दे नां पिछे कौर लगाया। यह दुनिया दे विच अनोखी मिसाल हो निबड़ी।
गुरु चेले दे विच कोई भेद ना रहा। इस तों पहला इतिहास दे विच अजिहा कदे नहीं होया सी कि किसी आगू ने अपने चेलियां नू अपने तों उपर रख्या होवे। गुरु साहब ने कहा कि खालसे दे विच अकाल पुरख निवास करेगा। जिसने अकाल पुरख दे दर्शन करने ने उह खालसे दे दीदारे कर लवे। साहिबे कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन तो अपने खालसे नू विलक्षण विशेष ते संपूर्ण रूप बख्श के निहाल कर दिता। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी वालों चलाए पंथ विच दसम जोत श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भगती तो शक्ति तक दे सफर नू एक लड़ी विच प्रो के खालसे दी साजना कीती। खालसे दा अर्थ है खालस, जिस विच कोई मिलावट ना होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।